नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी नेट न्यूज। अलविदा जुम्मा, मस्जिदें रही सुन, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। रमजान महीने के अलविदा जुम्मा के दिन भी मस्जिदों में सन्नाटा छा रहा। लॉकडाउन के चलते लोग घर के अंदर ही अलविदा जुम्मे की नमाज अदा किए, सोशल डिस्टेंस बना रहे ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले। इसी को देखते हुए देश की सभी धार्मिक स्थान पर ताले लगे हुए हैं। मऊ जिले के सभी मस्जिदों में ताले बंद हैं। लोग घर से ही रमजान के पाक महीने में नमाज अदा कर रहे हैं। आज अलविदा नमाज का अंतिम दिन, लोग मस्जिदों में न आए, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आज इसको क्या तैयारियां हैं? रमजान के पाक महीने में अंतिम शुक्रवार को जो जमातुल विदा जुम्मे की नमाज होती है, इस लॉकडाउन के परिवेश में सभी लोग अपने अपने घरों में, जैसे लोगों से वार्ता की गई, संत समितियों की मीटिंग और इस तरह से, तो आप देख रहे हैं लोग अपने अपने धार्मिक रिवाज को, इस जुम्मे की नमाज को घरों में रह करके पूरा कर रहे हैं और भगवान की इबादत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। एहतियातन क्योंकि किसी को इस काम में कोई बाधा न उत्पन्न हो, कहीं कोई अफवाह न फैले, कहीं कोई समस्या न हो आवागमन में, इस लिहाज से ड्यूटी लगाई गई है। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर ही नहीं, पूरे जनपद में लगाई गई। हमारे पास 3 कंपनी की एसी है, वो लगाया गया है। हमारी 6 क्यूआर की टीमें हैं जो पूरे जनपद में, 2 कोतवाली में, 1 दक्षिण टोला में और 1 मधुबन घोसी और अहमदाबाद में लगाई गई है। इसके अलावा जो कार्यालय बंद होने के कारण सिविल पुलिस का अतिरिक्त फोर्स, पुलिस लाइन का अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। आम जन को कोई असुविधा ना हो, इस लिहाज से ये कार्रवाई की जा रही है और ये शाम को अपने लॉकडाउन की कार्रवाई में बदल जाएगा।